सब कुछ है मसीह के प्रभु का धन्यवाद करते हैं। एक और सुंदर मौका परमेश्वर ने दिया वचन की सेवा को लेकर आप लोग के नज़दीकी में आने के लिए उस पिता का सच में कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। आज का जो वचन है एक पत्रस 5:7 आज से मैं आप लोगों के लिए पढ़ रही हूँ। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। आमेन। यहाँ पर प्रियो पिता का वचन क्या कहता है कि अपनी सारी चिंता किसके ऊपर डाल दो, उसी ईश्वर पर डाल दो, उसे तुम्हारा क्या है, ध्यान है। प्रियो जब हम कहते हैं कि प्रभु पर विश्वास करते हैं कि प्रभु तू मेरा उद्धार करता है, तू मेरा सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद भी हमें, अगर मैं कहूँ तो बहुत सी ऐसी बातें हैं जो अभी भी नहीं पता हमें, जो हमें जानना ज़रूरी है। सच में प्रभु का वचन एक अथाह सागर है, जितना उसमें डूबो उसमें ही डूब उतना ही और गहराइयाँ निकल कर और भी ज़्यादा बातें निकल कर हमारे सामने आती हैं। वचन कितनी बार पढ़े जाते हैं लेकिन वो बातें अपने समय पर ही हमारे ऊपर खुलती हैं, है ना। हम जिन चिंताओं में डूबे रहते हैं कि हमारे बच्चों का क्या होगा, बच्चों के बिजनेस नहीं चल रहे हैं, या कईयों के पति शराब पी रहे हैं, या स्कूलों की फीसें हैं, किराया भरना है, कपड़े खरीदने हैं, कहीं जाना है, कोई फंक्शंस आ गए हैं, कुछ भी है, तो उन चीज़ों को लेकर कितनी चिंताओं में हम लोग डूबे रहते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि अपनी सारी चिंता तू क्या कर, उसके ऊपर डाल दे, उसे तेरा ध्यान है, उसे तुम्हारा ध्यान है, क्योंकि वो हमारी चिंता करने वाला परमेश्वर, उसको हमारा ध्यान है। तभी तो पिता ने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए कुर्बान कर दिया ताकि हम लोग नाश ना हो, वन अनंत जीवन को जिए, हमारा कुछ भी नुकसान ना हो, हम नष्ट ना हो। उसने अपने इकलौते पुत्र को मार दिया, जो कोड़े उस प्रभु ने खाए, जो घायल वो हुआ, जो चोटें उसको लगी, वो चोटें हमारे लिए थी, लेकिन परमेश्वर ने हमें बचाया और अपने इकलौते पुत्र को मार दिया। उसे हमारा ध्यान था, वो हमारी हर एक चीज़ों को क्या कर रहा था, वो देना मांग रहा था कि क्या है और क्या नहीं है, वो हर एक चीज़ों को जानता था हमारी। इससे यहाँ प्रवचन में से लिखा कि पत्रस कहता है कि अपनी सारी चिंताएं उस पर डाल दो, उसको तुम्हारा ध्यान है, उसे तुम्हारा ध्यान है, उसे हमारा ध्यान है। क्योंकि यहाँ पर 2 पत्रस 1:3 में हम पढ़ते हैं, क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया। आमीन। यहाँ पर क्या लिखा, क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है, सब कुछ जो जीवन, जो हमारे इस जीवन से संबंध रखता है और जो हमारी भक्ति से संबंध रखता है, और यही चीज़ें हम लोग परमेश्वर से मांग रहे होते हैं कि प्रभु हमारे जीवन में ये कमी है, प्रभु हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, हमें आत्मिकता में पढ़ना है, हमें ये करना है, हमें वो चाहिए, वो चाहिए, हम जो चीज़ें मांग रहे हैं वो ऑलरेडी हमें दे चुका है, क्रूस के बलिदान के द्वारा वो सब कुछ हमें मिल चुका है, हमें उसको पाना नहीं आ रहा है। हम प्रार्थनाएं कर के मांग रहे हैं, जो चीज़ ऑलरेडी दे चुका है वो और क्या देगा, वो सब कुछ उसने दे दिया, अब हमें बस क्या करना है, उस पर अधिकार जमाना है, उन चीज़ों को अपना बनाना है। क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा, सारी चीज़ें जो जीवन और भक्ति से संबंध रखती हैं उसी, हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। और उसके अगली आयत में यहाँ पर लिखा है कि जिसके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत सी बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं, ताकि इनके द्वारा तुम उस सराहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती हैं ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। अभी क्या लिखा, परमेश्वर ने सब कुछ हमें दिया और उससे भी बढ़कर अपनी प्रतिज्ञाएँ हमें दी, जो वचन के अंदर रखी है। पूरी बाइबल में 7,000 प्रतिज्ञाएँ जो परमेश्वर ने इन मनुष्य के लिए दी हैं, हर एक परमेश्वर ने इस व्यक्ति को दिए कि ये वचन है, इसको क्लेम करो। जैसे परिसीता 23 में लिखा कि वो मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। जब इन प्रतिज्ञाओं पर विश्वास करते कि प्रभु तू मेरा चरवाहा है, हमें कुछ भी घटी नहीं होगी, तो कोई घटी हमारे लिए नहीं है। परमेश्वर ने हर एक कमी घटी हर एक चीज़ों से हमें आज़ाद कर दिया। हम बीमार ना हो उसने कोड़े खा लिए, हम गिरे ना वो निर्बल बन गया, हम महिमा का ताज पाए उसने कांटों का मुकुट ले लिया,
हमारे पापों का बोझ क्रूस के रूप में उसने उठा लिया। इसी अमर वचन में लिखा कि अपनी सारी चिंता उसके ऊपर डाल दो और से बस ये कहो कि पिता सारी चिंता, ये चिंता मेरी नहीं है कि ये बच्चे, बस उसको बोले कि पिता ये बच्चे आपके, ये घर आपका, ये बिजनेस आपका, ये सब कुछ आपका है, आप इसे संभाल रहे, आप उसके हाथ में सौंपें और निश्चिंत हो जाएं इस बात पर विश्वास करते हुए कि उसे हमारा ध्यान है, वो हमारी चिंता करता है, वो चिंता हम जो अपने बच्चों की नहीं कर सकते, हर समय हम बच्चों के साथ नहीं रह सकते, लेकिन जब हम इस बात को कहते हैं कि प्रभु ये बच्चे हमारे नहीं आपके हैं मेरे पिता, तो जहाँ कई बच्चे हैं पिता आपकी सुरक्षा बने रहते 91 के अनुसार आपकी दूतों की छावनी उनकी, आपके दूतों की सुरक्षा उनके साथ बनी हुई है। परमेश्वर हमें वो असीम प्रतिज्ञाएँ दी है, वो अनमोल प्रतिज्ञाएँ दी है, जब इनको बोलते हैं ना, जब इनको क्लेम करते हैं इन वचनों को, तो अद्भुत अद्भुत सामर्थ्य, अद्भुत काम होते हुए हम अपने जीवन को, जीवन में होते हुए देख लेते हैं। जब यहाँ पर वचन में लिखा कि सारी चीज़ें परमेश्वर ने हमें दे दी, जब सब कुछ हमें मिला हुआ है, शैतान हमें क्या करता है, शैतान हमें कल की चिंता, अरे बच्चों का क्या होगा, किराया भरना है, ये भरना है, वो भरना है, जब इस बात पर विश्वास करेंगे कि सब कुछ पूरा हो चुका है क्रूस के ऊपर, सारी चीज़ें अवेलेबल कर दी गई हैं हमारे लिए, जो हमारे जीवन से संबंधित है, हमारे भक्ति से संबंधित है, हमें सब कुछ मिल गया है, हमें बस उसको रिसीव करना है, क्लेम करना उन बातों को कि प्रभु आपने सारी आशीषों को हमें दे दिया, इफिसियों 1:3 के अनुसार स्वर्गीय सारे की सारी आत्मिक आशीषें हमें दे दी है। जब उसे हमें दे ही दिया है, फिर चिंता किस बात की है, फिर कोई चिंता बचती ही नहीं है। बिजनेस नहीं चल रहे, उसके ऊपर अधिकार नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने इन चीज़ों पर अधिकार दिया है, हमें सांप और बिच्छुओं को रोने का अधिकार दीजिए। शैतान बिजनेस पर हाथ रख के बैठा है, बिजनेस को चलने नहीं देता है, या आपके बच्चों के जीवन में हाथ लगा के बैठा है, अपने अधिकार को इस्तेमाल करें। और शैतान को अपने पांव तले रोने का अधिकार उसने दिया है सबको, उस अधिकार को इस्तेमाल करें। शैतान आगे की चिंता देता है, चिंताएं लेना हमारा काम नहीं है। अगर हम सच में देखें तो अगर हम अपनी चिंता करना भी चाहें ना, उस तरीके से नहीं सोच सकते जिस तरीके से हमें सोचना चाहिए। परमेश्वर ने हमारी हर एक चीज़ों का सॉल्यूशन क्रूस पर ऑलरेडी कर दिया, उसने हमें बड़ा संभाल के बड़े प्यार से रखा हुआ है। जब बच्चा, जब माँ प्रेग्नेंट होती है तो बच्चा जब अंदर जाता है तो क्या माँ देख रही होती है उसके अंदर क्या होता है, वो परमेश्वर देख रहा है कि उसके अंदर वो एक एक अंग कैसे बन रहा है, कैसे उसको वो सब कुछ किया जा रहा है। वो उस बच्चे को एक लिक्विड फॉर्म से देख रहा है, उसे तब से वो उसके ऊपर निगेबानी रखा हुआ है, उसको संभाल रहा है। जब तब संभाला है तो क्या आगे वो छोड़ देगा, नहीं। विश्वास रखें उनकी बातों पर, उस परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर, उस काम पर जो वो हमारे जीवन में प्रतिदिन कर रहा है। किसी भी चीज में चिंता ना करें, अपनी चिंताओं को परमेश्वर के हाथ में सौंपें, उसके ऊपर डाल दें कि प्रभु ये दुख मेरा नहीं है, ये तकलीफ मेरी नहीं है, बिजनेस मेरा नहीं है, सब कुछ आपका है। और जब आप बोलेंगे कि सब कुछ प्रभु आपका है, तो जो चीज़ परमेश्वर की हो जाती है उसके ऊपर शैतान हाथ भी नहीं लगा सकता। शैतान कब हाथ लगाते हैं, जब हम चीज़ों को अपना बोलते हैं, क्योंकि हमें कोई सामर्थ्य नहीं है, हमें कुछ नहीं है। लेकिन जब हम बोलते हैं कि प्रभु ये सब कुछ आपका है, और जब हम विश्वास करते हैं परमेश्वर पर, जब उसकी संतान बनते, तो लिखा है वचन में कि हमारे अंदर फिर यीशु का आत्मा है। और जब ये बोलते हैं कि प्रभु हम आपकी देह हैं, आप हम में रहते हैं, आपकी आत्मा हम में है, जब आपकी आत्मा, जब यीशु की आत्मा हमारे अंदर है, तो शैतान छू भी नहीं सकता। जब इस बात पर विश्वास करेंगे कि मेरे अंदर मैं नहीं, मेरे अंदर यीशु का आत्मा मुझ में जिंदा है, यीशु का आत्मा मुझ में काम कर रहा है, यीशु का आत्मा मेरे बच्चों में काम कर रहा है, हम सब यीशु के लोगों की अधीनता में है। जब सब कुछ यीशु के हाथ में चला जाता है, जब यीशु के ऊपर डाल दिया जाता है, प्रभु ये सब कुछ मेरा नहीं, सब कुछ आपका, तो शैतान की हिम्मत ही नहीं किसी भी चीज़ को हाथ लगा जाएगा, क्योंकि जो चीज़ परमेश्वर की हो जाती है फिर परमेश्वर उसे बचा के रखता है। क्यों ना 5:18 के अनुसार कि जो परमेश्वर से उत्पन्न होता है वो उसको बचाए रखता है ताकि कोई दुष्ट उसको छू ले ना पाए, है ना। तो प्रियो अपनी सारी चिंता कोई भी किसी भी प्रकार की चिंता क्यों ना उस यीशु के ऊपर डालें और निश्चिंत हो जाएं, वो हमारी केयर करने वाला परमेश्वर है। बस आप उन बातों को रिसीव करें जो उसने दे दिए हैं क्रूस, उसने सब कुछ हमारे लिए दे दिया, उसने समृद्धि हमें दे दी, उसने हमें आशीषें हमें दे दी,
वो चंगाई उसने हमें दे दी है, हर एक चीज़, बच्चों के अच्छे लाइफ, अब्राम के वंश का वारिस कर दिया, तो अब्राम के वंश की जितनी आशीष है उसमें हम सहभागी हो चुके हैं, हम यीशु के साथ स्वर्गीय सहभागी कहते ना, उसके वारिस हो चुके हैं, स्वर्गीय वारिस हो चुके हैं, उसके साथ आशीषों के हम सहभागी हो चुके हैं, हम यहाँ के नहीं हैं, वो हम स्वर्ग के हो चुके हैं। जब हम इस तरीके से बात करेंगे, अपने मुंह से क्लेम करेंगे इन बातों को और विश्वास करेंगे, अगर शैतान चिंता डालता है कि कल तुम्हारा क्या होगा, तो उसको बोलें जो होगा अच्छा होगा, क्योंकि परमेश्वर ने हमें बढ़ोतरी के लिए बुलाया है और अच्छे के लिए बुलाया है। कोई पिता अपने बच्चों को बुरा होते हुए नहीं देख सकता, तो मेरे साथ भी कोई बुरा नहीं होगा, क्योंकि वचन में लिखा है जो कल्पना में तुम्हारे लिए करता हूँ लाभ की हानि की नहीं है। तो इन बातों को जब आप पकड़ के रखेंगे, अपने विश्वास के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रखेंगे, फिर कोई चिंता आपके पास दोबारा नहीं आएगी। चिंता कब आती है? जब शैतान की बातों को रिसीव कर लेते हैं कि हाँ ऐसा होगा, और पिता के लिखित वचनों को हम इनकार कर देते हैं कि विश्वास ही नहीं करते इन बातों पर। लिखा है कि मैं तेरा चरवाहा हूँ, लिखा है ना, यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कुछ घटी ना होगी। जब उस बात पर विश्वास करते हैं, क्या प्रभु मेरा चरवाहा कोई घटी नहीं होगी, वो आया ही सबसे पहले चमत्कार, यीशु ने कहा ना मैं घटी को ही पूरा किया था। जब वहाँ पर घटी को पूरा किया, 5 और 2 मछली से 5 लोगों को खिलाया, उसके बाद 12 टोकरे बच गए, वो ना सिर्फ ज़रूरतों को पूरा करता है, इच्छाओं को पूरा करता है, बल्कि वो उससे भी लबालब उमड़ता हुआ हमें देता है। वहाँ पर ना सिर्फ ज़रूरतें पूरी हुई, बल्कि उमड़ता हुआ छलकता हुआ बच्चा भी है वहाँ पर। तो बहुत आयत का जीवन देने वाला परमेश्वर, आप उसकी बहुत आयत को रिसीव करें, विश्वास करें और अपनी सारी चिंताओं को उसके ऊपर डाल दें, उसे आपका ध्यान है, और इस बात को विश्वास करें 2 पत्रस 3:4 के अनुसार, कि उसने सारी जो हमारे जीवन से संबंधित है, एम्पलीफाइड बाइबल में कहेगी जो हमें सूट करती है, जो आशीष कहते हैं ना कि जो हमारे जीवन से सूट, जो हमारे जीवन में सूट करती है, कि हमारे जीवन में कहते हैं ना गरीबी सूट नहीं करती है। अगर हम परमेश्वर की संतान हैं, हम उस परमेश्वर की सर्वशक्तिमान की, वो राजाओं के राजा की संतान है, तो उसकी संतान गरीबी में सूट नहीं करती है, उसकी संतान समृद्धि में सूट करती है ना। तो जब आप इन बातों को विश्वास करेंगे, बोलना शुरू करेंगे और अंगीकार करेंगे इन बातों का, मुझसे बोल कर, तो देखेंगे आपके जीवन में बहुत आयत का जीवन, अब अपने जीवन में उमड़ते हुए जीवन को आप देखेंगे, क्योंकि सच में वचन जीवित है, प्रबल है, शक्तिशाली है। यूं ही नहीं है, ये प्रतिज्ञा बड़ी महान है, सोने और चांदी से भी अनमोल है, क्योंकि जब हम वचनों का अंगीकार करते हैं तो अपने जीवन में कामों को होते हुए देख लेते हैं, और सच में ऐसा होता भी है। मैं अपने जीवन में इन्वेस्टरों को काम करते हुए देखती हूँ। तो प्रियो, चिंता हमारे लिए नहीं है, चिंताओं में ना फंसे, अपनी चिंताओं को यीशु के पास दें, है ना, और निश्चिंत होके आनंद के साथ, खुशी के साथ, शांति के साथ अपने जीवन को जिए, क्योंकि यही हमारा भाग है। दुख और चिंता मसीहों का भाग नहीं है, मसीहों का भाग आनंद, खुशी, शांति, ये उसका भाग है, जिसके लिए उसने क्रूस पर बलिदान दिया अपना, है ना। अपने हिस्से को ले, जो शैतान का हिस्सा है, जो शैतान दे रहा है, उसको रिसीव ना करे, उनको कैंसिल करे, चिंताएं आती हैं कैंसिल करे, कोई बात दिमाग में आती है कैंसिल करे, यीशु मसीह के नाम में, है ना। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको बहुत ऐसे आशीष दे, ब्लेस करे, जय मसीह।